व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आया हूँ एयर कनाडा कार्गो में, बिकॉज मैंने अपनी बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ इंडिया से इंपोर्ट करवाई है। एज यू नो कि मैं अपने डॉग को बहुत प्यार करता हूँ, और आज मैंने अपने डॉग को इंडिया टू कनाडा बुलाया, और काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ी, वो मैं सारी बताऊँगा आपको। अभी मैं बस पहुँच गया हूँ यहाँ पर टोरंटो में, और एयर कनाडा के कार्गो में, आप देख सकते हो पीछे। अभी एक घंटा पहले फ्लाइट लैंड की है उसकी, और बस दिल धक धक कर रहा है थोड़ा सा, देखते हैं क्या बनता है। आया भी है, अभी तक नहीं आया, या शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर। उन्होंने बोला हुआ था कि 50 नंबर गेट पे आएगा, सो वी आर एट 50, सो अंदर चल के देखते हैं। और अगर आप भी अपने डॉग को बुलाना चाहते हैं कनाडा से या किसी और भी कंट्री से, हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट रूल है, पर अगर इंडिया से कनाडा बुलाना है तो एक आपको एजेंट हायर करना पड़ता है। सो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पेपर वर्क आपको चाहिए होता है। एक तो इसी कार्गो की टिकट लगती है, जो कार्गो की आपने जैसे सामान बुक करते हैं कोई, वो आपको सामान बुक करना पड़ता है। प्लस आपको एक एजेंट चाहिए, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि IATA सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर IATA सर्टिफाइड एजेंट, इन्हीं के थ्रू ही आप अपने डॉग को इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो। तो इन्होंने मुझसे 1,88,000 इंडियन रुपीज लिए हैं, एंड 40,000 जो केज के लिए हैं वो लिए हैं। तो ये तो जो प्राइसिंग थी वो थी, बाकी सारा कुछ इसी ने किया। मैं आपको पहले क्लिप दिखा देता हूँ कि इंडिया से उसको कैसे कैसे केज में डाला, और कैसे वहाँ से जब उसको मेरे फादर साहब छोड़ के आए, तो ये आपके सामने क्लिप आ रही है, ये देखो। ये बन गई बिल्ली? हाँ बना रहे हैं, लेके जाएंगे ना। बंद करा। डॉग के लिए वो लिया जैसे स्वेटर काइंड ऑफ, बिकॉज यहाँ ठंड बहुत है। और ये सारा पेपर वर्क है, पासपोर्ट है। लेट्स सी अंदर अब क्या बनता है। आई डोंट नो अंदर कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा, बट अगर होगा तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। और लेट्स सी कि मेरा डॉग जो लैबी है उसका नाम, उसका रिएक्शन क्या होता है मुझे देख के। ठंड भी बहुत आ जाओ, चलिए। सो नेक्स्ट स्टेप इज हमें कस्टम्स के पेपर दे दिए, उन्होंने कस्टम क्लियर करवानी होती है। मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही यार कस्टम क्लियर करवाने के लिए जा रहा हूँ मैं। और एडवाइस नोटिस एयर कनाडा, आई डोंट नो, तो देखते हैं जाके कि क्या होता है। और फिर देन अगेन यहीं पे आना है, और फिर उसके बाद जब कस्टम क्लियर हो जाएगी देन फिर यहाँ पे ये हैंड ओवर कर देंगे। सो जल्दी मिल जाए बस यार, कॉफी भी नहीं पी जा रही, दिल धक 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 कर रहा है। तो गाइस फाइनली शाइनिंग में लव इज हियर, फाइनली। थोड़ी ठंड है इसलिए स्वेटर डाल लिया, बट रियली यार लबी लबी, पानी दे दे अब थोड़ा सा। पकड़ करो नहीं नहीं अब नहीं जाते, इसको छोड़े कहीं, टेंशन ना ले ले अभी। तो पिंजरा नहीं आ रहा बस इसका, बट
और पानी पानी जरूर ठंड बहुत है ना। बस 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 इधर ही है, इधर ही हूँ मैं। पीले 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 इसको बिठाओ एक बार। सो गाइस ये जो फीलिंग है ना ये मैं बता नहीं सकता। अभी यार कनाडा पे हूँ, ये देख लो कार्गो में, और ये बेस्ट फीलिंग है यार। यू नो अगर आपके पास एक डॉग है ना तो आप मतलब बहुत खुश रह सकते हो, और अगर आपको अटैच होना नहीं पसंद तो एक डॉग मत रखना, नहीं तो आप बहुत अटैच हो जाओगे। बिकॉज मैं एक मेरा सपना था यार कि कनाडा में मेरा डॉग लबी आ जाए, और फाइनली ये कनाडा में घूम रहा है। रियली हैप्पी, रियली ग्लैड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। सो मच यार, मेरे पास शब्द नहीं है। इसने 20 घंटे ना तो इसने पू करी ना ही इसने सुसु किया, एंड नाउ ही इज पूपिंग। और मैं दिखाना नहीं चाहता था बट यार मतलब ही इज रियली अ स्मार्ट डॉग, बहुत अच्छा डॉग है यार। लबी लबी ग्रेट डॉग, मेरी जान है, मेरी जान है। सो अब टोरंटो से माउंटेन का सफ़र है। इसने खाना भी खा लिया, पू भी कर ली, सुसु भी कर लिया ना, उसको गाड़ी में बिठाएंगे, घुमाएंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। बाकी दिखाता हूँ कि गाड़ी में कैसा रहता है, और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, ब्रदर हैं, कज़न हैं सारे, उनसे कैसे मिलता है, सब कुछ दिखाता हूँ। अभी देखो, अब ये फुल खुश है, देखो ही लाइक ए ही वांट टू रन, ही वांट टू रन। देखो हमारा डॉगी ये देख लो कनाडा का दाना पानी लिखा है। हाँ यहाँ देखे सब तो पहली रोटी फायदे कर दी। वाह जी वाह, ये इसको स्किन तक रिंग नहीं आ रहा, लंदी है बेटा, दिन बेटा दिन भी लंदी है। चल दे पहला ट्रीटमेंट ना। अच्छा उन इसके थोड़ा ठंडा वेदर रहेगा ना, कीप पर थोड़ा सही हो जाए। हाँ ओके करा मैं। सो हियर द बैक, थोड़ा हाँ उदास है, हो जाएगा सही, और चल दिए हम वापसी। सो मेन चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपको अपना डॉग लेके आना है तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक एजेंट हायर करना है, जो मैंने किया था, मैं उसका नंबर डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, दिल्ली का है वो। और अगर आपका डॉग 45 केजी से ऊपर है देन वो कार्गो में आएगा, अगर वो 45 से कम है तो वो बैगेज एरिया में भी आ सकता है। बाकी डिपेंड करता है फ्लाइट टू फ्लाइट, आपकी एयरलाइन टू एयरलाइन। और उसके बाद आपको जो मेन चीज़ें हैं, एक मेडिकल होना चाहिए, रेबीज़ का इंजेक्शन लगा होना चाहिए, सारे रेबीज़ के जो चीज़ें हैं, जितने भी वैक्सीनेशन होती है डॉग्स की वो सारी लगी होनी चाहिए, इसकी पासबुक बनी हुई थी वो सारी चेक की उन्होंने। प्लस अगर आपको डॉग को कोई प्रॉब्लम है तो उसका हेल्थ कार्ड इशू मतलब होना चाहिए एक सर्टिफाइड डॉक्टर से। और इसके बाद जो आपका एजेंट है वो सारे कस्टम वगैरह सब कुछ करवा के देता है इंडिया से। यहाँ पे आपको खुद कस्टम में जाना पड़ता है और कार्गो एरिया में आके अपना कस्टम क्लियर करवा के एक सर्टिफाइड अमाउंट होती है छोटी सी, $90 यहाँ पे मैंने पे की है। एंड फाइनली ही इज़ हियर, थोड़ा सा उदास है, और मम पापा को देखेगा जब आएंगे तो वो खुश हो जाएगा। रेस्ट हैप्पी कि वो यहाँ आ गया। बाकी शी इज क्राइंग अ लिटिल बिट। लबी लबी क्या हो गया बेटा, बेटा घर ही तो आया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये गो ना भी ओके, टाइम लगता है थोड़ा सा नई जगह को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे डॉग्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो। सो विद टाइम हो जाएगा सही। एंड बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी शिप करवाना है कार्गो में, आप करवा सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट,
आपको एक एजेंट चाहिए होता है जस्ट अच्छा। सो टेक केयर गाइज, मिलते हैं एंड थैंक यू ऑल, और बाकी प्यार देना लवी को, लवी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कटारिया ये वे, स्टे हेल्दी स्टे फिट से बाय।